बीए लिख रहे 11 है, तो ऐसे मैं अपने 5 सब्सक्राइबर को ये गिव अवे करूंगा जो। नमस्कार, मैं महेश पंडित जी भीमाशंकर। यहाँ का इतिहास ऐसा है कि त्रेता युग में त्रिपुरा तो है गाइस। आज हम लोग जा रहे हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जो पुणे के पास है। अभी ये हमारा टाइम है निकलने का, 6:10 बाकी है। ये रही हमारी चाबी, बाइक की चाबी। लाइट्स बंद कर देता हूँ और ये हो गई लाइट बंद। ये रही मेरी स्लीपर, हमेशा जो पहन के जाता हूँ मैं। हाँ बता दिया हूँ, सब लोग सो रहे हैं और हम लोग धीरे से निकल रहे हैं। ये हो गया दरवाज़ा लॉक, यस। ओए मेरा चश्मा नहीं लिया ना, चश्मा ले लेता हूँ मैं, मेरा चश्मा भूल गया। बहुत ही धुंधला दिखने लग गया यार, ये मेरा नहीं है। बस मेरे को पता था कि वो मिलेगा ही नहीं अगर मैं खोजूंगा तो। ये रहा यार, मिल गया, मैं इस बार गलत साबित हो गया। हाँ और ये आ गई अपनी लिफ्ट, यस। ग्राउंड दबा दो बेटे, ग्राउंड दब गया और ये दिख रहा हूँ मैं। अब मिलूँगा मैं आप लोगों को रास्ते में। सुबह सुबह रोड खाली है तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से बांद्रा होके जाऊँ या फिर थाने होके जाऊँ। तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि बांद्रा होकर के जाता हूँ माहिम होकर के, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो अभी हम लोग पहुँच गए वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, यहाँ से राइट मारेंगे तो फिर जाते हैं मुंबई के लिए। देखे कितना हरामी था वो डंपर वाला। और ये सामने है दिल्ली दरबार, ये है वेस्टर्न एक्सप्रेस होटल और ये है अपना मंदिर। और बस यही हाईवे पकड़ के अपन चलेंगे। मुझे पता नहीं शायद मुंबई से जाने का मेरा फैसला सही है या गलत है। थाने वाला रोड तो पक्का भरा रहता था, इसीलिए मैंने सोचा कि सुबह सुबह मुंबई रोड तो खाली ही रहेगा। और गलती ये कर दी कि सर्विस लेन पकड़ना चाहिए था, लेकिन सर्विस लेन नहीं पकड़े हम लोग, मेन हाईवे में आ गए तो यहाँ पर थोड़ा सा रहता ही है। सर्विस पकड़े होते तो निकल गए होते ऐसा मुझे लगता है। संभाल के चलना पड़ता है भाई, मुंबई की ट्रैफिक बहुत हार्ड है। काश लेफ्ट वाला रास्ता हमारे होते तो निकल गए होते हम लोग। खैर चलो, अब फाइनली छुटकारा मिला। एक्चुअली मैं चप्पल पहना हूँ और चप्पल पहन के बाइक राइड करने पर फ़ाइन है 200 रुपये का, लेकिन अगर कहीं पर रुकाया तो देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास कैश नहीं है और ना ही तो मेरा पर्स है जिसमें डेबिट कार्ड होता है। हाँ लेफ्ट से चलते हैं। चलो ए, तीन टांग की तितली, कर मैं थोड़ा सा संभाल के चलो जब तक आप यूज टू नहीं हो जाते हो। अभी तक मैं इसका यूज टू नहीं हुआ हूँ। देखे हो सकता भाई साहब 10 साल पीछे चला गया हो। तो ये आ गए हम लोग अंधेरी, ये अंधेरी का डबल फ्लाईओवर है। इस फ्लाईओवर के ऊपर से मेट्रो का ब्रिज गया है, देख रहे हो सामने। एक व्यू मिल जाता है, एक नज़ारा मिल जाता है अगर एक मेट्रो पास हो रही होती वहाँ से। भगवान करे एक मेट्रो आ जाए, लेकिन नहीं आएगी ना, अपने को शॉर्ट चाहिए। तो जितनी बार मैं यहाँ से पास हुआ तो ऊपर से मेट्रो गई। वो देखो, चलो कम से कम कुछ नहीं तो एक फ्लाइट तोड़ी। अब गोप्रो महान, पता नहीं उसने वो रिकॉर्ड किया होगा या नहीं, उतनी दूर का करता है या नहीं करता है, मेरे हिसाब से तो नहीं करता है। लेकिन ठीक, ये लोग तीनों लाइन घेर के चलेंगे, आपसे जो बनता है होता है उखाड़ लो। हाँ सीधा वो ट्रक बस सब राइट में चलेंगे। राइट लेन में चलते हो ना अगर आप मुंबई में खास करके, तो अच्छी खासी डिस्टेंस मेंटेन करके चलना, क्योंकि आगे आपको अचानक से गाड़ियाँ खड़ी हुई नज़र आ जाएगी और आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि क्या करूँ। और आप दे दे करके ब्रेक मारोगे, आपने कंट्रोल किया तो किया लेकिन पीछे वाले का भरोसा नहीं। ये है एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए आपको, अगर आप किसी को पिकअप करने के लिए आ रहे हो
तो ये जो है ये फ्लाईओवर उतरने के बाद अंधेरी का आप अपनी गाड़ी यहाँ पे लगा दो लेफ्ट साइड में, बस आपको इंटरनेशनल जाना है तो भी और डोमेस्टिक जाना है तो भी, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक तो फ़िलहाल एक ही हो गया और ये है इंटरनेशनल। ओह बहुत मुश्किल होता है अपने आप को संभालना जब कोई आपको इस तरीके से कट मार के जाता है। देखिए 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 छपरी गिरी सा, देखिए ऐसे किसी दिन 12 के भाव में चल देंगे, 12 का भी भाव नहीं मिलेगा कसम से लिख के देता हूँ गारंटी, जिसको जिसको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो लिख के रख लो 12 का भी भाव नहीं मिलेगा भाई। और अब मेरा ख्याल है ये वाला जो फ्लाईओवर है ये चढ़ना है या नहीं चढ़ना है, मेरे हिसाब से तो चढ़ना है लेकिन आगे जो बोर्ड आ रहा है बोर्ड पे देख लेता हूँ। मुंबई सेंट्रल सीधा, वांद्रे कुर्ले संकुल के लिए लेफ्ट, तो मेरा हिसाब है कि ये वाला लेफ्ट है या नहीं, नहीं यार माही वाला मारता हूँ। अचानक 1990 में आ गया, ये वाला लेफ्ट मारेंगे। बिल्कुल सही, सही टाइम पे सही फैसला, ये वाला लेफ्ट मारने के बाद मैं थोड़ा सा जीपीएस चेक करूँगा और जीपीएस चेक करने के बाद यहाँ पे दो लेफ्ट आता है, ये फर्स्ट लेफ्ट है यहाँ नहीं जाना है, ये सेकंड लेफ्ट है और इसके बाद ये रोड सीधा है। ये मारेंगे राइट, यस ये राइट मारने के बाद अभी हम लोग हैं माहिम में और अभी हम लोग हैं धारावी में, देख लो धारावी कैसा भाई। ये अभी हम लोग धारावी से निकले और ये सामने आ गया सर्कल सिग्नल, पुलिस वाले भाई साहब सिग्नल तोड़ के चले गए लेकिन हम लोग नहीं तोड़ सकते। वाह चचा वाह 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 मौज कर दिए। अभी हम लोग हैं साहिल में तो लेफ्ट का सिग्नल हो गया है और हम लोग लेफ्ट के लिए निकल रहे हैं। ये है लोकमान्य तिलक हॉस्पिटल, साहिल हॉस्पिटल यही है, यहाँ से हमारा रास्ता है सीधा बस वाला लेफ्ट में आ रहा है। धारावी पवई चेंबूर सामने से देखो सनराइज होते हुए, वासी थाने के लिए सीधा, यहाँ पर आके मैं थोड़ा सा भटक जाता हूँ। फ्लाईओवर पे चढ़ना है अपने, ओके अगर आपने ये फ्लाईओवर मिस कर दिया तो फिर बहुत हजामत होती है। आप फिर से इस रोड को कंटिन्यू करो, अजमेर लोनावला सीधा, अभी टाइम हो रहा है 7 और हम लोग आ गए 60 किलोमीटर, ठीक ठाक ही आए। ये रोड है सीधा, फिर हम लोग आ गए सीधे रोड को फॉलो करते हुए, डाइवर्जन अहे आगे मेरे को एक बाइक दिख गई है जिसका मतलब है हम लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। तो सामने आ गया है टोल नाका, बहुत खुशी हो रही है कि मैं फोर व्हीलर में नहीं हूँ। यार ये हम लोग पहुँच गए साई साइन पनवेल टोलवे, तो मैं भी चढ़ जाता हूँ फ्लाईओवर पे। इस रोड पे अभी रॉन्ग वे से उतरना पड़ेगा, तेरे को पहले ही बोला कि बाइक का लगा के रखना, हाँ बाइक का ही था, चल हाँ तो सही बता रहा था और नीचे से राइट बता रहा था। तेरे को मालूम नहीं है कि कितनी कसरत करनी पड़ेगी अपने को। तो जो हम लोग फ्लाईओवर चढ़ गए थे वो था पूना एक्सप्रेसवे, वो
तो अच्छा हुआ। और दूसरे बाइक वालों ने, मेंटेनेंस वालों ने अपने को हाथ भी दिखाया और मैंने भी उनको पलट के हाथ दिखाया कि हाँ हाँ गलती हो गई, उतर जाऊँगा मैं। और अच्छा हुआ कि रॉन्ग साइड से जाकर के मैं उतर गया। उतरने के बाद रॉन्ग साइड से नीचे उतरा, जो कि बहुत ही गलत था। उतरने के बाद वहाँ से नीचे से लेफ्ट मार के फिर ये रोड को मैंने कंटिन्यू किया। तो अब यही रोड है स्ट्रेट और हम लोग इसी रोड को फॉलो करते हुए चलेंगे। चलो तो फिर आप ज़्यादा फुटेज ख़राब करके कोई मतलब नहीं है, ये रोड तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखाया ही है। अब मैं मिलूँगा आप लोगों से आगे। तो जो सामने खड़े हुए भाई साहब होंडा की कोई बाइक लेकर के, पीछे अपने को पप्पी देते देते बचे, और जब उनसे इस बारे में जिक्र किया गया तब तक सिग्नल खुल गया और भाई एकदम उड़ते हुए अपनी स्पीड दिखाते हुए कि ये फकिंग राइडर, यस यस यस। हम कहे ठीक है सर, आप ही राइडर हो। करके राइट है 101% सीधा है, यस सीधा, यस। चाय ब्रेक, ये है मेरे ख्याल से खालापुर। तो हम लोग आ गए खंडाला, और मेरे ख्याल से नहीं, खंडाला अभी है 8 किलोमीटर, लेकिन रास्ते शुरू हो चुके हैं। एंजॉय करो, ये पूरा व्यू ब्लॉक कर रहा है यार बस वाला। के घाट पे जाके फोटो खींच के आएंगे, तुम्हारे केसकाल घाटी का बाप है वहां जब भी जाओ ना, केसकाल। ये है खंडाला, तो ये आ गए हम लोग खंडाला घाट के ऊपर। यस, मैगी वैगी मिलना चालू है। ये देखो यहाँ से व्यू यार, वहाँ पे खड़े होकर थंबनेल निकलता अच्छा। तो पुणे यहाँ से है कुछ 45 किलोमीटर, और उससे थोड़ा पहले से ही अपने को लेफ्ट मारना है। चलिए गोप्रो ऑन किया है। एक्चुअली मेरा पावर बैंक मैंने रात को चार्ज पे लगाना भूल गया था, चार्ज नहीं हुआ। गोप्रो की बैटरी फटाफट उतरती है, आप लोग तो जानते ही हो। और मेरे पास बैकअप में एक बैटरी और है, और कुछ है नहीं मेरे पास। इसमें अभी कुछ 30% है बैटरी, वन डे ट्रिप है ये, तो मैं कहीं रुकने वाला भी नहीं हूँ। चलो देखते हैं जो होगा। तो हम लोग पहुँच गए तलेगांव, और यहाँ से अपने को मारना होता है लेफ्ट, और आ गए हम लोग इस लेफ्ट में। अच्छा लगता है जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है, तुम प्यार से प्यारी हो, प्यार हमारी हो। बहुत सही, इंस्टेंट करवा। तो भाइयों, आप लोग इस रोड को फॉलो करते हुए यहाँ पहुँचेंगे, और इस जगह का नाम मैं आप लोगों को, इस जगह का नाम क्या है मोनू, देखना इस पर लिखा होगा। अरे नवलाख ऐसे ही कुछ है, नवलाख करके है। यहाँ से आप इस रोड को फॉलो करते हुए चलिए, उसके बाद आगे एक आएगा राइट। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ राइट कहाँ से आएगा। वो राइट पकड़ेंगे और फिर सीधा हम लोग अपने मंजिल पर। माँ कसम, पता नहीं कौन से ख्यालों में डूबा हुआ था।
ये राइट, तो ये है वो राइट, यहाँ से मारेंगे हम राइट। और भाइयों मुझे पता नहीं कि वैसा फील हो रहा है कि बारिश होगी, दो तीन बूंद मेरे ऊपर गिर चुका है। चलो ठीक है, वो पहले वाला लेफ्ट था लेकिन मैं आगे निकल गया, और अब ये वाला लेफ्ट लेंगे हम लोग। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. देने के लिए कुछ है कि नहीं, इसका स्टेडियम नहीं है। चलेगा भाई, क्या दिखा रहा है नीचे, जमीन सामने दिखा ना, ये तो सामने ही ना। हिमाचल का ज्योतिर्लिंग प्रवेश, तो प्रवेश द्वार से अंदर घुस गए, टीका भी लगवा लिए, अंदर दिखते हैं। मेरे को नहीं लगता कि कैमरा अलाउड है अंदर, अगर नहीं रहेगा तो फिर अंदर कुछ दिखा नहीं पाऊंगा, है ना। अरे यार चल रहे बाबा, लाइट ही चलती है तो बोल देते ना भाई की चप्पल रख रहे यहाँ पे। ए भाऊ चप्पल दे दो, सही घास की लंबी लाएंगे, कितनी लंबी लाएंगे, पीछे दिख रही नहीं है, आया हम लोग उधर से जा पीछे साइड, कितना लंबा लाएंगे, 10-15 मिनट ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। क्या करें, क्या लगे रहते ना। अबे एक बात बता, ये कैमरा झूठ बोल रहा है कि हम लोग सच में बोरे बोरे दिख रहे हैं, झूठ बोल रहा
हरामपुर है ना यहाँ बहुत दिख रहा है। नमस्कार, मैं महेश पंडित जी भीमाशंकर। यहाँ का इतिहास ऐसा है कि त्रेता युग में त्रिपुरासुर नाम का राक्षस था, उसका शिवजी और माताजी दोनों ने मिलकर अर्धनारी नटेश्वर रूप ले लिया और कार्तिक शुद्ध पूनम आती है वह समय उसका संहार किया है और संहार करने के बाद यहाँ ज्योति स्वरूप स्थिर हो गए। इसलिए अंदर देखा तो शिवलिंग में दो भाग है, एक बाजू में शिवजी है, एक बाजू में माताजी है। ऐसा शिव और पार्वती दोनों साथ में यह अर्धनारी नटेश्वर रूप है। क्या रिकॉर्ड कर, जय हो महाराज। हाँ जी, हाय बोल दो कैमरा। ये बाबा बाबा जी, कैमरा को हाई कर दो, ऐसा से कर दो। तो आपका ये कुछ गिव्वे करने का थोड़ा करीब आ जाओ बेटे, ताकि मेरी आवाज़ जाए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराब है। तो गिव्वे करने के लिए मैंने लिया है ये, देख रहे यार है ना। तो ऐसे मैं अपने 5 सब्सक्राइबर को ये गिव्वे करूँगा, जो मुझे कमेंट करेगा, और 5 लोगों को मैं ये दिया दीजिएगा गिव्वे, है ना। तो ये आप लोगों के लिए है ना, तो आप लोगों ने जो इतना सपोर्ट किया है उसके लिए, उसके बदले में मैं ये करूँगा। तो गाइस, अभी हम लोग निकल गए हैं, गोप्रो की बैटरी हो गई थी डाउन, लेकिन एक होटल में रुके थे वहाँ पे थोड़ी देर चार्ज किया था, तो थोड़ा बहुत इसमें आ गया चार्ज, पावर बैंक और दोनों, तो फिर पावर बैंक से इससे मैंने अटैच कर दिया। तो हम लोग अभी निकले हैं उल्टी तरफ से, जिस तरफ से आए थे उस तरफ से नहीं जा रहे, और एक मिनट रुको, कल्याण होते हुए हम लोग जा रहे हैं। और आप लोग रास्ते का मज़ा लो आप, बिल्कुल तो बहुत प्यारा लग रहा है रोड, लेकिन बस यही है कि अभी रात होने आ रही है। हेडलाइट बंद करके भी दिखा देता हूँ मैं, देखो, तो नाइट ड्राइविंग है ना, थोड़ी मेरे को जमती नहीं है, लेकिन ठीक है। और मैंने ना 5 दिए लिए, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि गिवे में क्या करूँ, मतलब ऐसे ही आया दुकान पे, मतलब देख रहा था ऐसे कुछ गिफ्ट विफ्ट, तो बोले हाँ हाँ मतलब गिफ्ट ले लो लोगों के लिए। मुझे आप लोगों की पहले याद आई कि भाई गिव्वे कर दूंगा, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, क्या गिफ्ट मैं देना चाहिए। तो उसने मेरे को दिखाया, पहले शिवलिंग दिखाया, फिर बोला नहीं शिवलिंग नहीं, आप ये दिए लो, क्योंकि हर कोई अपने घर में दिया तो जलाता ही है, और जब भी वो दिया जलाएगा तो फिर आपको याद करेगा, ये बोल के उसने दिया मेरे को, और मैंने भी ले लिया, मैंने भी बोला चलो ठीक है ना। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा मैं। अरे माँ कसम, ये क्या चालू, रोड रेज से ले लेते। चलो भाई, तो रोड रेज देखने मिल गया, ठीक है, लेकिन क्या ये गांव वालों का मसला है, तो हम लोग इसके बीच में नहीं पड़ेंगे। एक बार मुंबई होता तो समझ में भी आता था, यहाँ के लोगों को अपने को कुछ समझ में आता नहीं है कि क्या बात है, क्यों है, कैसे है, इसीलिए। और इन लोग की भाषा भी नहीं आती है, पता चला आपस में छोड़ करके मेरे साथ ही लड़ पड़े।
ओके, तो अब मैं गोप्रो को कर रहा हूँ ऑफ, कहीं पे अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे आ जाएगा काम मुझे, ठीक है। तो आप इतना समझ लो कि हम लोग निकल गए, अच्छे से दर्शन हो गया, आप लोगों की दुआ से सब कुछ ठीक ठाक रहा, बस अब मैं ठीक ठाक घर पहुँच जाऊँ। यहाँ से घर है करीबन 140 किलोमीटर, तो मेरे हिसाब से तो मैं पहुँच जाऊँगा, बस हाईवे आ जाओ तो फिर मैं पहुँच गया, है ना। चलो तो फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।